मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक दिवस बनाम शिक्षक पंचमी। अच्छा, शिक्षक पंचमी। दरअसल जो व्यवहार होता है शैलेश भाई, उस संदर्भ में ये हास्य और व्यंग है, इसलिए ये एक शीर्षक देने के लिए मजबूर हुआ है। पिछले दिनों एक सरकारी विद्यालय सजवाया गया जहाँ शिक्षक दिवस मनवाया गया। वाह। लाउडस्पीकर पर जोर जोर से बज रहा था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जहाँ पे ऐसी तैसी हो गई शिक्षा के मचान की। वाह। चंदे मातरम, चंदे मातरम, चंदे मातरम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी शैलेश भाई अचानक स्कूल में खुशियों के बादल छा गए। विद्यार्थी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। स्कूल के सारे बच्चे तालियां बजा रहे थे क्योंकि स्कूल के एक दादा नेताजी की गर्दन सजा रहे थे। मंच पर जाकर नेताजी ने बड़ी तरकीब से अपना मुंह खोला और बहुत सोच समझकर ये बोला, भाइयों और उनकी बहनों। अच्छा, भाइयों और उनकी बहनों, भारत माताओं के गहनों। अब जैसे ही शैलेश भाई उन्होंने बोला भारत माताओं के गहनों, तो नेताजी कुर्ता पहन के आए थे, लंबा कुर्ता था, घुटने के नीचे नीचे तक कुर्ता था, पायजामा पहना हुआ था। दुर्घटना हो गई, एक दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, नेताजी ने वो जो पायजामा पहना था उसका नारा टूट गया। अरे तेरे, नारा टूट गया तो पायजामा नीचे चले गया। मगर नेताजी ने बात को किस अंदाज में बदला, कविता की भाषा में यदि मैं कहूं तो हिंदी की कविता की भाषा में बात बदलने की इस प्रक्रिया को त्वरा कहते हैं, उर्दू में हाजिर जवाबी कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टलेस आर्ट ऑफ रिपार्टी कहते हैं, संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं और शैलेश भाई की भाषा में उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। नेताजी ने अपनी बात को बदला। नेताजी का पायजामा जैसे ही नारा टूटा नीचे गया तो नेताजी ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे देश की विकास दर बहुत नीचे गिर गई है। पायजामा पकड़ लिया शैलेश, मेरे देश की विकास दर बहुत नीचे गिर गई है, हमें इसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध देना है। तो भाइयों और उनकी बहनों, भारत माताओं के गहनों, नेताजी ने कहा कि शांति के साथ रहने में कितना आनंद है, इसीलिए तो मुझे शांति बेहद पसंद है। यह सुनते ही स्कूल की एक खिड़की अचानक खुली और उसमें से शांति नाम की चपरासीन मुंडी बाहर निकालकर बोली कि अबे जाजा रे फटीचर नेता, तुझ पे तो मेरी जूती भी नहीं मरती, सारा स्कूल जानता है कि शांति भूप भाई से प्यार करती है। सारा स्कूल जानता है कि शांति भूप भैया से प्यार करती है। तब नेताजी ने कहा, अक्सर शैलेश भाई 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, बरसात का मौसम होता है, पानी आ जाता है, बच्चे भीग जाते हैं, तो तब नेताजी ने कहा कि ये बच्चे बारिश में भीगने के कारण ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन हम भी ठंड फैलाने वाले विरोधी दलों को भांप रहे हैं। अब हर पक्ष के नेता को विपक्ष के नेता में और विपक्ष के नेता को पक्ष के नेता में शैलेश भाई विरोधी दलों का हाथ नजर आता है। हाँ। कहीं बीमार हो जाए, कहीं ज्वालामुखी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, नेता कहता है इसमें विरोधी दल का हाथ है। अब नेताजी का पीए दौड़ते दौड़ते उनके पास आया और कहा, नेताजी बधाई हो, बधाई हो, आपकी बीवी ने मैटरनिटी होम में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, अब आदत के मुताबिक उन्होंने तुरंत बोल दिया इसमें विरोधी दल का हाथ है। शैलेश भाई पक्ष का नेता विपक्ष के नेता के लिए और विपक्ष का नेता पक्ष के नेता के लिए ये सोचता है कि ये जो विपक्षी नेता है ना, ये वो है जो अंतस्थ का बहरा होता है, मन का गूंगा होता है, भावना का लंगड़ा होता है, कल्पना का लूला होता है, व्यवहार का अंधा होता है, आचार का क्षयी होता है, वाणी में सुधारवादी, भाषण में प्रगतिवादी, पहनावे में खादीवादी और आचरण से सामंतवादी होता है। वाह वाह वाह।
है तो नेताजी ने कहा ये बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन हम भी ठंड फैलाने वाले विरोधी दलों को भांप रहे हैं। इस ठंड के निदान हेतु विधानसभा के अगले सत्र में एक आवश्यक आयोग बैठाया जाएगा और अगले साल से शिक्षक दिवस 5 सितंबर की जगह 5 मार्च को मनाया जाएगा। क्या बात है। और अगले साल से शिक्षक दिवस 5 सितंबर की जगह 5 मार्च को मनाया जाएगा। और शैलेश भाई आखिरी 4 पंक्ति कविता के मकसद को लेकर, क्योंकि जो कविता किसी उद्देश्य को प्रकट नहीं करे वो समुचित और संपूर्ण कविता नहीं है, कि वो शिक्षक जिसने सतयुग में किण्व बनकर दुनिया को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दिया, वो शिक्षक जिसने त्रेता युग में वशिष्ठ और विश्वामित्र बनकर दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिया, वो शिक्षक जिसने द्वापर में सांदीपनी बनकर भारत वर्ष को गीता ज्ञान प्रदाता श्री कृष्ण दिया, वो शिक्षक जिसने 18वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस बनकर दुनिया को नर शार्दुल सदृश सन्यासी स्वामी विवेकानंद दिया, और वो शिक्षक जिसने पिछली सदी में सुब्रमण्यम बनकर भारत को APJ कलाम दिया, वो शिक्षक आज मजबूर है, वो शिक्षक आज मजबूर है, मजलूम है, बेचारा है, एक हाथ में दोना पत्तल और दूसरे हाथ में झारा है, अरे विश्व गुरु भारत का गुरु ही बेबस बिना सहारा है, बीबी बच्चे तक कहते थे तू तो किस्मत का मारा है, और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। शैलेश भाई, यदि हम शिक्षक को गिराएंगे तो फिर आप ही बताएं हम भारत वर्ष को कैसे महान बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। डिस्काउंट पर शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। हमने वहाँ के क्लर्क से कहा भैया बंदा तो स्टूडेंट है वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है। क्या बात है, वाह वाह। बोला भैया बंदा तो स्टूडेंट है, वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है, ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ और फ्री में फूके जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, फ्री में फूके जाओ। और बताने लगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं। शैलेश जी ध्यान दीजिएगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं, क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सर्वेश बहुत बढ़िया। नेताओं को बहुत अच्छे, नेताओं को मुफ्त में चलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। क्या बात है, वाह। और किसको किसको कैसे कैसे जलाते हैं वहाँ पर शमशान घाट पे, और बताने लगा मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं, अरे लाश की जेब में भी 100 का नोट रख कर तभी अग्नि लगाते हैं। हाय हाय, लाश की जेब में भी 100 का नोट। बहुत बढ़िया सर्वेश। और बताने लगा कि जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। ओहो, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, शमशान रत्न जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया लेकिन मर कर भी कम से कम अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी धर गया। क्या बात है, वाह। बेचारा खुद तो मर गया। वाह 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 सर्वेश, बहुत बढ़िया। और बताने लगा, उसने बताया कि यदि रोजगार की तलाश में, शैलेश जी ने मुझे व्यंग्यकार कहा तो मैं व्यंग्य ही सुना रहा हूँ, यदि नौकरी की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं, तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। हाय 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 हाय। तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं, हम आपको यकीन सहित बताते हैं इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन ऊपर नौकरी दिलाते हैं। क्या बात है, इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलते चलते हंसते मुस्कुराते हुए चलिए, मैं 2 शेर आपको पढ़ूं, आपको सुनाऊं। अभी मैं बैठा था लखनऊ में तो मेरे एक दोस्त हैं,
वो थोड़ा कभी कभी ठीक समझ गए सर। तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने जो बात कही थी मैं उसको चार पंक्तियों में कहता हूँ, आनंद करिएगा। कि यूं बहुत कुछ हूँ मगर, यूं बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर। यूं बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, जिस्म ज्यों बिन रूह के कुछ भी नहीं तेरे बगैर। और जो असली पंक्तियाँ वो ये हैं कि मैं कदे को देख कर उस्ताद चहके इस कदर। मैं कदा जहाँ पे पी जाती है। अरे सब जानते होंगे। यूं बहुत कुछ हूँ मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, जिस्म ज्यों बिन रूह के कुछ भी नहीं तेरे बगैर। और मैं कदे को देख कर उस्ताद चहके इस कदर, जाम चूमा कह पड़े कुछ भी नहीं तेरे बगैर। कुछ बहुत बहुत।